आज ना मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ क्रीम के बारे में, जो कि मेलाज्मा से रिलेटेड है। तो इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग हर बार मुझसे क्रीम पूछते हो ना। तो आज मैं आपको क्रीम के बारे में और अच्छे से विस्तार से बता देती हूँ। देखिए डॉक्टर, आपको चाहे कोई भी क्रीम क्यों ना दें, डैपी वाइट हो, ट्राइलुमा हो, या कोई सी भी एक्स्ट्रा क्रीम हो फेस से रिलेटेड, जब वो आपको एक क्रीम लिखेगा ना, आपको बताएगा कि वो आपको मिडनाइट में लगानी है और मॉर्निंग आपको कैसे लगाना है, तो वो क्रीम का वर्क क्या है। अभी देखो एग्जांपल, जैसे मुझे दो डैपी वाइट दी थी, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो एक दी थी मॉर्निंग में लगाने के लिए और एक दी थी नाइट में लगाने के लिए। अब आप क्या सोच रहे हो, अगर उसने मुझे 2 महीने के लगाने के लिए बोला है, तो आप सोचो वो मुझे 2 महीने भी वर्क नहीं किया है। तो मेरी प्रॉब्लम तो डीप थी बाहर से नहीं, तो इसलिए वो डैपी वाइट लगाने से भी मुझे वर्क नहीं किया। और एक बात आप ध्यान से सुन लेना, कोई भी क्रीम अगर फेस से रिलेटेड है, जैसे मेलाज्मा हो गया, तो वो 1 मंथ ही काम करती है। उसके बाद डॉक्टर आपको नेक्स्ट मंथ दूसरी क्रीम लिखते हैं। अगर आप सोचोगे ना कि आप डैपी वाइट लगा लोगे या ट्राइलुमा लगाते हो, ट्राइलुमा तो आपकी स्किन निकाल देगी, डैपी वाइट क्रीम स्किन नहीं निकालती है, क्योंकि मैंने लगाया था तो मेरी स्किन नहीं निकली थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। उसका जो वर्क होता है ना, वो क्या करेगा, जैसे आपने लगाया, अभी आपकी स्किन उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका जितना काम है वो उतना काम करेगा। जैसे कि मुझे डैपी वाइट मॉर्निंग और नाइट के लिए देता ना, दोनों का काम अलग अलग था, एक था मेलानिन को कम करने के लिए और एक था जो ऊपर के मेरे जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे गायब करने के लिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने 2 मंथ पूरा लगा के फेंक दिया ड्यू, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो सोची थी स्किन बर्न हो जाएगी, लेकिन हाँ, मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई थी और वो लगाने के बाद बहुत ड्राई हुई थी, इसलिए मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता था और मैं पानी तो वैसे भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पीती ही हूँ। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो ये चीज़ कि आप कोई क्रीम लगा रहे हो बिना डॉक्टर के, तो वो वर्क करेगी, करती रहेगी नहीं। वो अगर आपकी स्किन अगर नहीं निकल रही है ना, तो वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं से ट्राई कर रही है, धीरे धीरे बहुत ट्राई कर रही है। मैंने आपको क्या बोला ना, जब आपका खाना ठीक होगा तो दवाई वर्क करेगी, अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो आप ओनली क्रीम लगाओगे तो वो ठीक नहीं होगा। जब आप अंदर से ठीक नहीं हो ना, तो आप बाहर से कुछ भी लगा लो 100% वो ठीक नहीं होगा। आपको थोड़ी मेलाज्मा बाहर से जल के निकला है। हाँ, अगर आप सन में बहुत ज़्यादा रहते हो, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपकी स्किन के अंदर उस सन से अटैक करके मेलानिन बाहर निकलने लगा है, तो बात ठीक है, लेकिन वो आपका क्रीम से नहीं जाएगा जब तक आप आपकी डीप प्रॉब्लम नहीं समझोगे। तो आप ये बात छोड़ दो कि दीदी हमको ये क्रीम लगानी है, हम कितने मंथ तक लगाएं। और मैं ऐसी ऐसी क्रीम सुन रही हूँ ना, जिसके मैंने नाम भी नहीं सुने, पता है आपको? आप क्यों अपने स्किन के साथ मजाक कर रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगाना है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाकर लगाइए अपने फेस पर। ऐसे कोई भी क्रीम मत लगाइए। अगर एक बार चेहरा जल गया ना, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत बुरी तरह पछता चुकी अपने चेहरे के साथ, और आज भी मुझे वो पुरानी चीज़ याद आती है ना कि मेरा चेहरा पहला क्या था। बहुत मेहनत लगी है भाई ठीक करने में, आप बात समझो। मैं तो आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ कि आप ये सब कर लो। अगर मुझे ऐसा कोई बताने वाला मिलता तो मेरा मेलाज्मा तो कब का ठीक हो जाता, थोड़ी मैं 4 साल से इसे पागल बन रही होती, सोचो आप। इसलिए आप अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको जो अच्छा लगता आप करो। फास्ट फूड में मैदा, शुगर, जंक फूड, फास्ट फूड ये सबसे बिल्कुल कट्टी कर लो, ये नहीं चाहिए। अगर आपको खाना है मंथ में एक बार ले लो, डेली रूटीन में मत लो। अगर आप घर पे भी बना रहे हो तो अच्छे से इसमें वेजी डालो, वेजिटेबल डालो, जिससे क्या होगा ना, उसका असर कम होगा आपकी बॉडी पर। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। अगर आप बार बार क्रीम के बारे में पूछोगे ना, तो आपको आपकी डीप प्रॉब्लम कभी नहीं देखेगी, सिर्फ आपका पैसा जाएगा क्रीम में, लेकिन जो आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, वो अगर ठीक नहीं हुआ तो बाहर से कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको मैं अंधविश्वास में नहीं रख सकती हूँ, और मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मैं आपको धोखे में रखूँ। मेरे ऊपर बीतता है ना, मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के ऊपर ही बीते भाई, क्योंकि पैसे की ना वैल्यू समझो, और ये पैसे की वैल्यू ना समझनी भी चाहिए भैया, क्योंकि बहुत कष्ट लगता है इसको कमाने में, बहुत कष्ट।